हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज महाशिवरात्रि है, इसलिए हमने विचार किया कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो थैंक यू आप लोग को अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं भगवान शिव जी के बारे में कुछ सुनने के लिए। तो सर्वप्रथम भगवान शिव जी के थोड़ा प्रणाम मंत्र गाएंगे मेरे पीछे आप लोग बोलिए। भवानी शंकरो वंदे, सब लोग हाथ जोड़िए। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो, याभ्याम विना न पश्यन्ति, याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्ध स्वन्तस्थमीश्वरम्, सिद्ध स्वन्तस्थमीश्वरम्। तो यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है, भवानी शंकरो वंदे, हम उस जगत जननी माता भवानी सती देवी को, दुर्गा देवी को हम प्रणाम करते हैं। उसके साथ साथ शंकर जी को, भगवान शिव को भी हम प्रणाम करते हैं। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो, भगवान शिव और सती देवी श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है, मूर्तिमंत प्रतीक है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके कृपा के बिना, सिद्ध स्वंतस्थम ईश्वर, सिद्ध व्यक्ति भी, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, बड़े बड़े योगी भी, जिनका कृपा के बिना हर जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। यह शिव जी का महिमा। इसलिए भगवान शिव के बारे में सुनना और उनको जनरली उनका पूजा आराधना करना आवश्यकता है। तो शिव जी जो है, जनरली शास्त्र के अनुसार उनको महाकाल कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के मन से चार पुत्र उत्पन्न हुए, उनको चार कुमार कहा जाता है। तो जैसे सबको पता है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से एक कमल निकलता है और उस कमल पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार सृष्टि प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम उनका मन से चार पुत्र आते हैं। उनका नाम है सनक, सनातन, सनत कुमार, सनातन। जब चार पुत्र उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी उनको आदेश देते हैं कि आप लोग विवाह कीजिए। तो चार पुत्र छोटे छोटे बालक रहते हैं, लेकिन तुरंत ही वो लोग क्या कहते हैं कि हमें विवाह नहीं करना है, हमें ब्रह्मचारी बनना है, शादी नहीं करना है। तो ब्रह्मा जी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। ये भौतिक जगत का पहला इंसिडेंट है, पहली बार भौतिक जगत में पहला बाप पहले संतान को पहली बार आदेश दे रहा है, पहला संतान पहली बार आदेश को नकारते हैं। ये है बाप बेटा का रिलेशनशिप। ब्रह्मा जी के जो सृष्टि से है, प्रारंभ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए संसार में देखा गया है ज्यादातर बेटे बाप का बात मानते नहीं, सुनते नहीं, इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी की बात नहीं सुनते हैं, तुरंत उनको गुस्सा आ जाता है और उसका परिणाम स्वरूप उनके आईब्रो से
एक बालक प्रकट होता है, देखने में नील वर्ण का है और जोर जोर से रो रहा था। तो भगवान ब्रह्मा उनको कहते हैं, मारुद रोना मत। इसलिए उस बालक का नाम क्या हुआ? रुद्र। रुद्र मतलब जो रोता रहता है, उसको क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। रोदन शब्द से रुद्र आया है, इसलिए भगवान शिव जी का नाम क्या हुआ? रुद्र हुआ। और ब्रह्मा जी के आईब्रो से प्रकट हुए। तो एक्जैक्टली ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार शिव जी गोलोक में भगवान कृष्ण के राइट हैंड से प्रकट होते हैं। और ये भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के द्वारा हमें दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मा जी ये भौतिक जगत जगत में भगवान कृष्ण के एक प्रिंटर जैसे, जैसे आपके लैपटॉप में सॉफ्ट कॉपी सब रहता है, आप कुछ किसको प्रिंट देना चाहते हो तो तुरंत एंटर दबाते हो प्रिंट, तो प्रिंटर में वो प्रिंट आउट आ जाता है। आपका प्रिंटर मान लो अभी दिल्ली में भी रहेगा, कनेक्शन रहेगा, तो यहां से मैं भी क्या कर सकता हूँ? प्रिंट कर सकता हूँ। ये टेक्नोलॉजी अभी काम कर रहा है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण गोलोक में शिव जी को प्रकट करते हैं, लेकिन प्रिंट कहां पे देते हैं? ब्रह्मा जी के थ्रू रिसेंसर में उनका प्रिंट आउट होता है। तो आप देखेंगे ब्रह्मा जी का जो शरीर एक प्रिंटर जैसे ही कार्य करता है, उनका शरीर का हर अंग से अनेक प्रकार की जीव उत्पन्न होते हैं। मन से चार पुत्र उत्पन्न हुए, आईब्रो से जनरली रुद्र उत्पन्न हुए। तो इसी प्रकार के बाकी जो उनके संतान है, सप्त ऋषि भी है, वो भी जनरली ब्रह्मा जी का अनेक अंग से प्रकट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी के बुद्धि से प्रकट हुए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के अनेक शरीर का जो अंग है उस शरीर से प्रकट होते हैं, अंग से प्रकट होते हैं। तो आप लोग को आश्चर्य लगता रहे, अरे अंग से कैसे आ गया यार, ऐसा कैसे संभव होता है? संभव होता है, जैसे प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट आउट आता है। आपके मान लो आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको आप क्या करेंगे, सिर्फ एंटर दबाएंगे तो क्या हुआ? प्रिंट आउट आ जाए। तो आप लोग आश्चर्य हो जाए कि ऐसा संभव हो नहीं सकता है, लेकिन अभी वायरलेस के द्वारा भी आप प्रिंट आउट कर देते हैं तो प्रिंट आता है। तो ये भगवान का टेक्नोलॉजी, पहला टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा कार्य होता है। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं इससे कैसे हो सकता है। इस चीज को मैं समझाने के लिए इस प्रकार जाने आपको बता रहा हूं। तो शिव जी प्रकट होते हैं और उनका नाम रुद्र होता है। आगे जाके भगवान शिव दक्ष प्रजापति के बेटी सती के साथ विवाह करते हैं और शिव जी को महाकाल कहा गया है। और इस संसार में हर व्यक्ति काल के अधीन में, सबका मृत्यु होने वाला है। प्रतिदिन पूरा संसार में धरती पे 1,66,000 डेथ होता है प्रतिदिन। आज 1,66,000 डेथ हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा नंबर नजदीक आ गया, 1,66,000 संख्या कम हो गया। जैसे ट्रेन का टिकट लाइन में खड़े रहते हैं ना टिकट काउंटर, तो बहुत लंबा लाइन होता है, तो आप दुखी हो जाते हैं। लाइन थोड़ा कम हो जाता है और मान लो 20-25 लोग ऐसा भाग गए हैं, तो आप खुश हो जाते हैं, क्यों? मेरा नंबर जल्दी आएगा। तो वैसे ही हम लोग यमराज का टिकट काउंटर पे खड़े हैं और कुछ नहीं। ये संसार आप जो देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम जी रहे हैं, इस प्रकार हम सोच रहे हैं, बट इन रियलिटी हम लोग मृत्यु के लाइन में खड़े हैं। कभी कभी लाइन लंबा रहता है ना, तो आप लोग फोन पे बात करते हो, फोन पे लेके गेम खेलते हो, या कोई दोस्त रहते हैं उनके साथ बात करते हो, या ज्यादा बोर हो गया तो कुछ खरीद के चटपटा खा लेते हो, खाना कार्य करते हैं खड़े खड़े, दिखना भी कार्य करते हैं खड़े खड़े, बातचीत भी हम करते हैं खड़े खड़े। आज
आजकल टेक्नोलॉजी से एडवांस हो गया, लाइफ में खड़ा रह के काम भी कर दे अपना लैपटॉप पे। तो आप टिकट काउंटर के लाइन में खड़े हैं लेकिन सब एक्टिविटी भी कर रहे हैं, फिर भी लाइन में ही खड़े। तो ठीक उसी प्रकार संसार में हम यमराज के टिकट काउंटर के लाइन में ही खड़े हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं और उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। मृत्यु का लाइन में खड़े होके हम कह रहे हैं हम जीवन में जीवित हैं, हम जीवन का लाइन में खड़े हैं। बट रियलिटी आहार निद्रा भय मैत्र, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कुछ मीटिंग कर रहे हैं, आप कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब मृत्यु का लाइन में खड़े होके हम कर रहे हैं। जब हमारा नंबर आ जाता है पता चलता है कि मृत्यु का लाइन में हम खड़े थे। टिकट काउंटर के लाइन में जब खड़े रहते हैं आपको पता होता है कि आप टिकट काउंटर के लाइन में खड़े हैं, लेकिन ये मृत्यु का लाइन में खड़े हैं हमें पता नहीं है, हम भूल गए। बट इन रियलिटी खड़े ही हैं, जब टिकट कट जाता है पता चलता है अरे मृत्यु का लाइन में खड़ा था। एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट को पूछा, अरे ड्राइवर और कंडक्टर के भीतर अंतर क्या है? तो स्टूडेंट कहता है, सर कंडक्टर सो जाएगा तो किसका टिकट नहीं कटेगा, ड्राइवर सो जाएगा सबका टिकट कट जाएगा, ठीक है, सब लोग क्या है मर जाएंगे, सबका टिकट कट जाएगा। तो वैसे ही सबका टिकट कटने वाला है, अभी हम लाइन में खड़े हैं। आज 1,66,000 लोग का टिकट कट गया है, हमारा नंबर नजदीक आ रहा है, और कभी हमारा टिकट कट जाएगा, नंबर आ जाएगा वो भी हमें पता नहीं। फिर भी हम जनरली काल के सैया में आराम से सोए, और शिव जी महाकाल है, काल की काल है, फिर भी वो सोते नहीं। शिव जी भगवान कृष्ण के महान भक्त है, इसलिए हमें शिव जी से भक्ति क्या है ठीक से हम सीख पाते हैं, सीख पाएंगे जब शिव जी के बारे में ठीक ठीक हम जानने की प्रयास करेंगे। तो यमराज टिकट काउंटर में बैठे हैं, लेकिन उसके उनके काउंटर में सीसीटीवी है, और सीसीटीवी में वो देखते रहते हैं ये लोग जो खड़े हैं क्या कर रहे हैं। मान लो आप खड़े हैं और केवल आहार निद्रा भय मैथुनी कर रहे हैं, जब टिकट का नंबर आएगा यमराज हमें नरक का टिकट देंगे, और नरक में यंत्रणा प्राप्त करने के पश्चात फिर से मृत्युलोक में जन्म लेंगे, और मृत्युलोक के जन्म का अर्थ क्या है, फिर से टिकट काउंटर में खड़ा। टिकट काउंटर में खड़े होके थे, टिकट कट गया, नया शरीर मिल गया, और अपने आप को कहां पर पा रहे, टिकट काउंटर में ही। जन्म मतलब क्या है, नया कपड़ा चेंज करके टिकट काउंटर में खड़ा हो गया, उसको हम जन्म कहते हैं। बट इन रियलिटी ये जन्म नहीं है, सेम एक्टिविटी है, पहले टिकट काउंटर में खड़ा था, अभी भी खड़ा है, अभी भी टिकट कटेगा, अभी भी मृत्यु होगा। इस प्रकार अनेक बार हमारा टिकट कट चुका है और इस बार भी कटने वाला है। सीसीटीवी में यमराज देखते हैं ये लाइन में खड़े होकर क्या कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, इसे जप करते करते लाइन में खड़ा है, गीता पढ़ते पढ़ते लाइन में खड़ा है, मंगल आरती अटेंड करते करते लाइन में खड़ा है, भक्तों का सेवा करते करते लाइन में खड़ा है। जब टिकट काउंटर के पास हम जाते हैं यमराज वैकुंठ का टिकट देते हैं, नरक का टिकट नहीं देते। तो आप लाइन में तो खड़ा है, रहना ही पड़ेगा, लेकिन लाइन में हम क्या करते हैं उसके अनुसार हमें क्या मिलता है, टिकट मिलता है। इसलिए मृत्यु का लाइन में तो सब लोग हैं, लेकिन हम इस मृत्यु का लाइन में रहकर भी वैकुंठ जा सकते हैं जब भगवान की कथा कीर्तन श्रवण करते हैं और धर्म के अनुसार जीते हैं।
एक बार नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे, अचानक देख रहे कि भगवान राम सीता जी के विरह में रो रहे हैं। वन में ऐसे रो रहे हैं जैसे कि कोई कामी पुरुष पत्नी के विरह में रोते हैं, इसी प्रकार रो रहे। उनको आश्चर्य लगा, थोड़ा देर रोके, अवसर प्राप्त करके भगवान राम को कुटीर के भीतर जाके मिले। राम लक्ष्मण कुटीर में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। तो ये नारद जी को आश्चर्य लगा, अरे अभी तो रो रहे थे, ये कुटीर के भीतर बैठकर हंस रहे हैं। तो पूछे कि आप ऐसे रो रहे थे कि अभी जैसे कि सचमुच सीता जी का हरण हो गया है और इधर मजाक कर रहे हैं। तो राम जी कहते हैं कि आपने जो सीन देखा वो मंच का सीन था, अभी तो ड्रेसिंग रूम का सीन है। तो भगवान इस मंच में लीला करते हैं, ड्रामा करते हैं। जब भगवान ड्रामा करते हैं उसको लीला कहा जाता है, और मनुष्य जब ड्रामा करते हैं उसको नाटक कहा जाता है। बोलते तो नाटक करता है, नौटंकी। पर भगवान का जो नाटक है, ड्रामा है, वो जनरली नाटक नहीं, हो क्या है, लीला है। क्यों? क्योंकि भगवान जो नाटक करते हैं वो आजकल के एक्टिंग जैसे नहीं है, एग्जैक्टली वो सचमुच उस भाव को फीलिंग करते हैं। सीता जी का विरह हो गया, मतलब वो जानते हैं सीता जी का विरह हो ही गया, उनको याद नहीं है कि वो भगवान है करके। उनका रोना भी क्या है, असली, ऐसे नहीं कि केमिकल लगा के रो रहे हैं राम, आंख से आंसू नहीं आ रहा है, बीच बीच में केमिकल लगाना पड़ता है, फिल्में में रोते हैं ना, ऐसे नहीं रोते, वास्तव में रोते हैं, वास्तव में वो इमोशन को फीलिंग करते हैं। इसलिए उनको कहा, उनका जो एक्टिविटी है उनको लीला कहा जाता है। बाद में नारद मुनि पूछते हैं उनको कि इस संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो भगवान राम कहते हैं कि संसार में मेरे लिए सब लोग प्रिय हैं, क्योंकि हर जीव मेरे से उत्पन्न हुए हैं, बट जो अवधवासी है, अयोध्यावासी है, वो लोग मुझे अति प्रिय हैं। उनसे बढ़कर जो मेरा स्मरण करते हैं वो मुझे प्रिय है, और उनसे भी बढ़कर हनुमान जी मुझे प्रिय है, क्योंकि मेरा सेवा उन्होंने किया है, स्मरण भी किए सेवा भी किए, इसलिए वो भी मुझे प्रिय है, और उनसे बढ़कर शिव जी मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि शिव जी मेरा स्मरण भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और मेरे प्रेम में इतना पागल है कि अपना प्रेमी को कुछ दोष नहीं है फिर भी त्याग कर देते, इसीलिए शिव मुझे अत्यंत प्रिय है। शिव भागवत में कहा गया है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा निम्न गामा इदम गंगा। नदियों में से श्रेष्ठ नदी है वो गंगा नदी है। देवानाम अच्युत यथा, देवता में से जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ देव है वो भगवान अच्युत है, कृष्ण है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में से जो श्रेष्ठ है वह है भगवान शिव। पुराणानाम इदम तत्, और पुराण में से जो श्रेष्ठ है वो श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो यहां पर भागवतम कहता है वैष्णवानाम यथा शंभु, जो भगवान शिव है सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, इसलिए शिव जी को जो प्रेम करता है वास्तव में भगवान कृष्ण को प्रेम करता है। शिव जी को नकार कर, नेग्लेक्ट करके हम कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैष्णवों में से सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है, शिव जी।
इसलिए शिव जी के प्रति हमारा आकर्षण और प्रेम होना आवश्यकता है। एक बार हमारा कोई एक डिवोटी फार्म में प्लेट वॉशिंग का सेवा कर रहे थे, गोवर्धन पूजा, वो शिव जी का भक्त थे, इसलिए प्लेट वॉशिंग करते करते बीच बीच में ओम नमः शिवाय इस प्रकार बोलते थे। तो बाकी हमारे जो डिवोटी थे, अरे आप क्या शिव जी का नाम ले रहे, ओम नमः शिवाय क्यों बोल रहे, अरे कृष्णा बोल, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो ये शब्द बोलकर जनरल हम क्या करते हैं, शिव जी को मिनिमाइज करते हैं। तो शास्त्र के अनुसार जनरल हम किसको भी मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा सदाचार होना चाहिए कि सबको हम रेस्पेक्ट देते, केवल शिव जी को थोड़े छोड़ के, वैष्णवानम यथा संभव को छोड़ के बाकी सबको रेस्पेक्ट देना है, नहीं, शिव जी को भी हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, शिव जी के प्रति भी हमारा प्रेम होना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यकता है। तो शिव जी के जो महान भक्त हैं हम देखेंगे। एक बार भगवान शिव माता सती के साथ कुंभज ऋषि के पास विंध्याचल पर्वत में गए, अगस्त्य मुनि के पास गए। शिव जी को पता चला कि अगस्त्य मुनि के आश्रम में बड़ा रामायण कथा चल रहा है, इसलिए सुनने के लिए भगवान हिमालय से बेल पर बैठते हैं सती जी के साथ और विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, किसलिए, रामायण सुनने के लिए श्रद्धा के साथ आते हैं। और कुंभज मुनि अगस्त्य मुनि जब शिव जी को देखते हैं तुरंत ही प्रणाम करते हैं, उनका पूजा अर्चना करते हैं। और माता सती सोचती है कि शिव जी रामायण बोलने में पारंगत है, उनसे रामायण में बहुत बार सुना है, और ये अगस्त्य मुनि क्या बताए, जो भी बताएंगे शिव जी का ही कुछ बताए, और ये तो हमारा ही पूजा कर रहे हैं, हमसे छोटे हैं। इस प्रकार सती माता सोचते हैं, पर शिव जी अगस्त्य मुनि को हृदय के साथ आदर करते हैं और अगस्त्य मुनि रामायण बताते हैं। उस समय पे शिव जी ध्यान के साथ, प्रेम के साथ भगवान की कथा सुनते हैं और इतना भाव विभोर होकर सुनते हैं कि शिव जी के आंख से आंसू निकलती है, भव के आंख से भाव का अश्रु निकल रहा है। लेकिन सती देवी के मन में इस प्रकार के कुछ भावना उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि सती देवी जो कथा सुन रहे थे वो अभिमान के कारण, अभिमान से सुन रहे थे, लेकिन शिव जी जो कथा सुन रहे थे प्रेम से सुन रहे थे। तो कथा में शक्ति है भाव उत्पन्न करने की, यहां पर भव है, शिव जी को भव कहते हैं, भव से भगवान, भव के पत्नी भवान कहते, तो भवानी में भाव नहीं आया, लेकिन भव में प्रेम की भाव आया। क्यों, जो भी कथा हम सुनते हैं मिनिमम तीन क्वालिटी हमारे पास होना चाहिए। पहला है, जो कथा सुन रहे हैं उस कथा के प्रति श्रद्धा। सेकंड है, जो कथा वाचक है उनके प्रति श्रद्धा। थर्ड है, नम्र भावना। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो हृदय में प्रेम की भाव उत्पन्न होता है, अदरवाइज नहीं होगा। कभी कभी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं प्रेशर से, छोटे छोटे बच्चे या यूथ घर वाले भेजते हैं, जाए उधर बैठ प्रभु जी के पास, वो प्रेशर से आके बैठ के सुनते हैं, इसलिए भाव उत्पन्न नहीं होता है। कभी कभी लोग आते हैं टेस्ट करने के लिए कि प्रभु जी क्या बताएंगे, थोड़ा देखते हैं, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं भी प्रभुपाद जी का बुक पढ़ा है, मैं भी यूट्यूब में बड़े बड़े स्पीकर का लेक्चर सुन रहा हूं, देखते हैं प्रभु जी क्या बताते हैं। इस भाव से लोग भी आगे सुनते हैं।
ना स्पीकर के प्रति श्रद्धा है, ना कथा के प्रति श्रद्धा है, और हृदय में क्या है? अभिमान है। तो भाव उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए भाव उत्पन्न करना है, प्रेम के भाव उत्पन्न करना है, तो ये तीन क्वालिटी आवश्यकता है, स्पीकर के प्रति श्रद्धा, कथा के प्रति श्रद्धा और नम्र भाव। शिव जी का बात देखिए आप, शिव जी कथा करने में नंबर वन है। नित्य निरंतर शिव जी एसी हॉल में बैठकर कथा करते हैं। एसी हॉल मतलब हिमालय, ओके, वहां पे नेचुरल क्या है, एसी, कथा करते हैं। और वहां के शिव जी जब कथा करते हैं, श्रोता कौन है? भूत प्रेत, भूत प्रेत सुनते हैं, बिच्छू सर्प सुनते हैं, बाघ बैल सुनते हैं, सब बैठ के एक साथ सुनते हैं। और शिव जी का कथा सुनकर भूत प्रेत रोते हैं, प्रेम का आंसू निकलता है। कभी कभी कथा सुन के बाघ के ऊपर बैल बैठ जाते हैं, इतना भाव से कथा सुनते हैं। कभी कभी कथा सुन के मोर के ऊपर सांप जाके डांस करता है। यह है शिवजी का कथा का पावर। सोचिए कितने अच्छी तरह से सुंदर भाव से शिवजी कथा करते हैं, जहां पर कि भूत प्रेत भी प्रेम में डूब जाते हैं। ऐसा कथाकार कोई है क्या? हम मनुष्य के सामने कथा करते हैं, कोई भी डूबता नहीं। That is शिव। इतने महान व्यक्ति, इतने eloquently स्पीच देते हैं। और वो शिव जी जब रामायण कथा चलता है, एसी हॉल छोड़कर विंध्याचल पर्वत में गर्मी में, साउथ इंडिया गर्मी है ना, बिना एसी से सुनने के लिए बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं नम्रता, इसको कहते हैं स्पीकर के प्रति श्रद्धा, इसको कहते हैं कथा के प्रति श्रद्धा। और इस भाव से जो कथा सुनता है, उसके हृदय में क्या उत्पन्न होता है? प्रेम भाव उत्पन्न होता है। इसलिए हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना है तो इस प्रकार की कथा हमें सुनना चाहिए, इस भाव से कथा सुनना चाहिए। दिस इज द आर्ट ऑफ हियरिंग। तो शिव जी इस प्रकार कथा सुने, अगस्त्य मुनि को प्रणाम किए, अगस्त्य मुनि का फिर से पूजा की, और माता सीता, माता सती और शिव जी वहां से निकल पड़ते हैं, कैलाश की ओर आते हैं। तो रास्ते में भगवान शिव भगवान राम को देखते हैं, जो कि माता सीता के विरह में रो रहे, चित्कार करके रो रहे, इतना जोर जोर से रो रहे हैं जैसे कि उनका रोदन का जो शब्द है स्वर्ग तक जा रहा है। आतुरता के साथ पेड़ को पूछते हैं, पशु को पूछते हैं, पक्षी को पूछते हैं, पहाड़ को पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं, सीता कहां पे? कभी कभी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा पानी डालते और उनको फिर से चेतनावस्था में लेकर आते। बार बार ऐसा होता है। शिव जी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते और प्रणाम करते, बार बार प्रणाम करते। तो सती देवी देखते हैं ये किसको प्रणाम कर रहे, ये तो भव है, शिव है। चारों देख रहे हैं थोड़ा इधर उधर, इसे तो कोई दिख नहीं रहा है जो कि प्रणाम करने की योग्य है। शिव जी प्रणाम कर रहे मतलब बड़ी बात है। तो सती जी ने पूछा शिव जी, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? ना मैं परम ब्रह्म को प्रणाम कर रहा हूं। कौन है परम ब्रह्म? इधर इधर तो कोई दिख नहीं रहा है, इधर दो लड़के दिख रहे हैं, कोई रोते हुए दिख रहे हैं, और कोई तो दिख नहीं। हाँ वही परम ब्रह्म है, ये भगवान राम है, दशरथ के पुत्र, परम ब्रह्म। तो सतीदेव ने सोचा परम ब्रह्म,
रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, कामी पुरुष ही से रो रहे हैं। आप इनको परम ब्रह्म कहते हैं? नहीं, यही परम ब्रह्म है। जो वेद जिसको नेति नेति कहकर पुकारता है वो परम ब्रह्म राम है, उनको आप भी प्रणाम कीजिए। तो सती देवी कहते हैं ये परम ब्रह्म हो ही नहीं सकते। तो वेद कहता है परम ब्रह्म का अर्थ है सत चित आनंद, लेकिन ऐसा तो सत चित आनंद दिखता नहीं। आप बताइए क्यों रो रहे हैं? रावण इनका पत्नी को अपहरण कर दी, माया के एक हिरण को भेजकर राम जी को दूर कर दी और अपहरण कर दी, फिर भी बोलते हो कि परम ब्रह्म। परम ब्रह्म अर्थ क्या है? सत्य, जो कि सत्य असत्य माया और सत्य में जो डिफरेंशिएशन वो समझ सकता है। ये कैसी सत्य है? माया भी मृग आया, असत्य सामने आया, और परम सत्य असत्य को सत्य मानकर सीता को छोड़कर असत्य के पीछे भाग गए। ये कभी सत्य हो ही नहीं सकते। और मान लो चित्त है ये ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञानी मतलब सब जानते हैं, और ये पेड़ को पूछ रहे कि सीता जी कहां गए, पत्थर को पूछ रहे हैं कहां गए, ये तो मनुष्य भी नहीं करते। मान लो किडनैप हो गया है तो आप लोग एफआईआर देंगे, लेकिन पत्थर को पूछेंगे मेरी बीवी कहां गई थोड़ा बताएगा कि? नहीं, ये तो चित्त का स्वरूप होना चाहिए, लेकिन इनको पता ही नहीं, इसको पूछना पता नहीं, कहां है उनको पता नहीं। और आनंद, आनंद कहां से? रो रहे हैं कंटिन्यूअस, इसलिए परम ब्रह्म नहीं है। आप रामायण ज्यादा सुन लिए लग रहा है, बहुत भाव में चला गए, इसलिए किसको भी देखकर आप क्या बोलते हो, परम ब्रह्म है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप चिंता मत करो। ये जनरली भगवान का माया। आप सोचिए, आप सोचिए कि सती देवी माया के मूर्तिमंत प्रतीक रूप है। सती देवी का माया का 1% का प्रभाव से पूरा जगत मोहित है। ये 100% माया खड़ा है, पर भगवान का माया को समझ नहीं पाते। तो भगवान का माया कितना पावरफुल, आप सोचिए। तो मायाधर माया को माया में डाल दे, दैट इज एग्जैक्टली राम। तो सती देवी को समझ में नहीं आ रहा, सती देवी पहचान नहीं पाते ये परम ब्रह्म है। इसलिए भगवान के कृपा के व्यतीत भगवान को समझना कठिन है। माया देवी स्वयं शिव जी के साथ है, अभी अभी रामायण सुन के आए हैं, फिर भी राम जी को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। इसलिए भगवान को जानना भगवान की कृपा से होता है। अपना बुद्धि से अहंकार के द्वारा हम जनरली जानने की प्रयास करेंगे तो संभव नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है एवं योगेश्वर कृष्ण भगवान जगतेश्वर इयते पशु दृष्टिना निर्जितो जयति इति स। एवं योगेश्वर कृष्ण भगवान जगत ईश्वर, संसार का जो भगवान जगत ईश्वर कृष्ण है वो योगेश्वर कृष्ण है। बट इयते पशु दृष्टिना, जिस व्यक्ति का दृष्टि पशु जैसे है वो लोग समझते हैं कि ये कृष्ण राम संसार में किसके द्वारा कभी कभी हार जाते हैं, इसलिए साधारण मानव है। लीला के कारण कभी कभी रोते हैं, इसलिए साधारण मानव। कौन सोचता है? ये पशु दृष्टि ना, जो पशुओं की दृष्टि जैसे वो लोग इस प्रकार क्या करते हैं, सोचते हैं। बट इन रियल विजन से आप देखेंगे कि भगवान ये सब किस लिए कर रहे हैं, लीला के लिए कर रहे हैं।
केरला स्टोरी में इसी क्वेश्चन पूछा गया ना, अरे तुम्हारा भगवान तो रोता है, वानर के द्वारा जनरली वानर का सहायता लेता है अपना पत्नी को उद्धार करने के लिए, भगवान का पत्नी का किडनैप केस हो गया, सती देवी से भी चिंता कर रहे केरला स्टोरी, और ये केरला के आसपास ही हो रहा है ये सब इंसिडेंट उसका इफेक्ट अभी भी है ऐसा लग रहा है। तो प्रॉपर दृष्टि से हम देखेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे, वो दृष्टि भगवान की कृपा से ही मिलता है। शिव जी बार बार उनको कहें कि आप प्रणाम कीजिए परम ब्रह्म में, लेकिन सती जी नहीं सुनते। तो शिव जी कभी कभी सोचते हैं, अरे मैं तो शिव हूं यार, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं सती, ऐसा कैसे? तब सोचिए यहां पर शिव जी के पत्नी सती देवी शिव जी का बात नहीं सुन रहे, और आप लोग सोच रहे हो कि मेरे बात सब सुनना चाहिए, हो सकता है? शिव जी का बात नहीं सुन रहे, आप शिव है क्या? नहीं। और शिव जी कैसे हैंडल करते हैं देखिए, ऐसा नहीं दो थप्पड़ लगा देते हो। शिव जी सोचते कि मेरे बात नहीं सुन रहे, इसका अर्थ क्या है? इसके ऊपर तो कुछ पावरफुल शक्ति कार्य कर रहा है, क्योंकि मैं शिव हूं, शिव के पास इतना शक्ति है जो कि प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, पाप के कारण जो दुख आपको मिलने वाला है उसको नष्ट करने की शक्ति किसके पास है? शिव जी के पास। लेकिन सती देव को समझा नहीं पा रहे हैं, तो शिव जी सोच रहे हैं ये प्रारब्ध के कारण नहीं, ये राम की इच्छा है, ये कृष्ण का इच्छा है, राम की इच्छा है, इसलिए सती देवी समझेंगे नहीं। तो कभी कभी जीवन में अनेक प्रकार के इंसिडेंट होता है जिसका समाधान आपके पास नहीं होता है, आप किसको समझाना चाहते हो समझेगा नहीं। तो आपको समझ जाना चाहिए किसका इच्छा है, राम की इच्छा है। राम की इच्छा समझकर आपको क्या करना चाहिए, जप माला लेना और चैंटिंग शुरू करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हर व्यक्ति का जीवन इस प्रकार के इंसिडेंट आएगा ही आएगा। यस्य यद् दैव विहितं स तेन सुख दुःखयः आत्मनां तोषयन् देहि तामसः परमृच्छति। ब्रह्मा जी कहते भागवत, यस्य एव दैव विहितं सतेन सुख दुख, संसार में सुख और दुख जब आता है उसका जब समाधान नहीं मिलता है, आपको समझ जाना चाहिए दैव विहितम, ये दैव के द्वारा मिल रहा है, ये भगवान की इच्छा है। उसको कैसे हैंडल करेंगे? आत्मनाम तोषयन देहि, आप अपने हृदय में संतोष को धारण कर और भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट करो। तामसम परम रिक्षत, वो व्यक्ति दुख से परे रहता है। तो दिस इज द फॉर्मूला, एक्सेप्टिंग गॉड्स विल एंड सैटिस्फेक्शन इज द एंटीडोट फॉर फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन से बचना है दो चीज, भगवान का इच्छा को ग्रहण कीजिए और सैटिस्फाइड रहिए, संतोष रहिए, तो फ्रस्ट्रेशन से अपने आप बच सकते हैं। बाद में शिव जी कहते हैं ठीक है प्रणाम तो नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? तो सती बोलती मुझे थोड़ा टेस्ट करना है, देखता हूं ये परम ब्रह्म है या ब्रह्म है, थोड़ा हम टेस्ट कर लेते हैं। शिव जी बोलते हैं ठीक है टेस्ट करो, आपकी इच्छा है तो मैं क्या करूं। तो दो प्रकार के लोग रहते हैं भगवान को जानने के प्रयास करते हैं, एक प्रकार के व्यक्ति विश्वास से भगवान को जानना चाहता है और एक प्रकार के व्यक्ति विवेक से भगवान को जानना चाहते हैं। जो विश्वास से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वो जीवन में शांति से जीते हैं, इधर उधर ज्यादा भागते नहीं, आराम से रहते हैं। लेकिन जो विवेक से जानना चाहते हैं वो तनाव में रहते हैं, और जो सरल व्यक्ति रहते हैं
वो भगवान को विश्वास से जान लेते हैं, और जो कपटी रहते हैं, अभिमानी रहते हैं, वो जनरली भगवान को विवेक से जानने की प्रयास करते हैं। लेकिन विवेक से भगवान को हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान विवेक से परे। अपना पिता को हम लोग ने विवेक से जाना, विश्वास से ही जाना, आज तक विश्वास भी कर रहे, विवेक से नहीं जान पाते। कोई बच्चा मान लो अपना पिता को विवेक से जानने की प्रयास करेगा तो दूसरे का पिता को अपना पिता बुलाएगा। इसलिए विवेक से जानने की प्रयास करना ही विवेक ही नहीं। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फादर थ्रू योर इंटेलिजेंट, दैट इज नॉट इंटेलिजेंट, दैट इज फूलिशनेस, दैट इज लेस इंटेलिजेंस। इसलिए विवेकवान कौन है? जो विश्वास करता है माता के ऊपर, वो विवेक है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान को जानना है तो शिव जी के ऊपर विश्वास कर, गुरु के ऊपर विश्वास कर, धर्मशास्त्र रामायण महाभारत भागवतम वेद उनके ऊपर विश्वास कर। इसलिए हम विवेक से भगवान को जान नहीं पाएंगे, भगवान को जनरली विश्वास से जानेंगे। ईश्वर जिज्ञासा का विषय, परीक्षा का विषय नहीं। ईश्वर को ईश्वर प्रार्थना का विषय, पराक्रम का विषय नहीं। ईश्वर दिल का विषय, दिमाग का विषय नहीं। ईश्वर शुद्धता के विषय, शोध का विषय नहीं। इसलिए ईश्वर प्राप्ति में श्रद्धा और विश्वास अत्यंत आवश्यकता है। तो रावण ने इस प्रकार सोचकर मारिस को भेजा कि तुम हिरण बनकर जा, राम तुमको पहचान गया तो राम परम ब्रह्म है, सीता जी को रिटर्न कर दो। राम पहचान नहीं पाया तो राम क्या है? मनुष्य है, सीता जी को रिटर्न नहीं करो। इस प्रकार सोचकर रावण ने भेजा, राम जी ने हिरण के पीछे भागा। रावण कंफर्म कि राम परम ब्रह्म नहीं, उसका कंफर्मेशन ही उसका डिस्ट्रक्शन है। और राम ने समझ नहीं पाया, राम ने और रावण ने समझ नहीं पाया। तो रावण सोच रहा था भगवान को टेस्ट करे, लेकिन भगवान का टेस्ट को रावण समझ नहीं पाया। भगवान ने ऐसा टेस्ट करवाया, पूरा वंश ही उनका नष्ट कर दिए, दैट इज राम। इसलिए भगवान को परीक्षा करके हम समझ नहीं पाएंगे। भगवान प्रार्थना के विषय, विश्वास के विषय। तो शिव जी जब इस प्रकार कहते हैं कि आपको टेस्ट करना है तो कीजिए, तो सती देवी बोलते हैं साथ में चलते हैं ना हम लोग साथ में कैलाश में रहते हैं, साथ साथ कैलाश से निकले हैं, साथ साथ कुंभज के आश्रम में पहुंचे हैं, साथ साथ हम लोगों ने रामायण कथा सुना है, साथ साथ रिटर्न कर रहे हैं, अभी साथ साथ जाके थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो शिव जी बोलते हर कार्य में साथ देने की जरूरत नहीं। पति का अर्थ ये नहीं कि पत्नी का हर कार्य में साथ देना है, कभी कभी साथ देना नहीं चाहिए। मान लो पत्नी को बीमार है, थोड़ी साथ साथ इंजेक्शन लेंगे, साथ साथ गोली खाएंगे, साथ साथ सलाइन लेंगे, ऐसा है क्या? कभी कभी साथ छोड़ना भी आवश्यक। इसलिए शिव जी बोलते हैं थोड़ा बैनर एंट्री के नीचे जाके बैठता, आराम करता, आप जनरल जाके टेस्ट कर लो। तो ये भक्त रहते हैं जिसके पास विश्वास रहता है ना, भगवान के छाया में वो आराम करते हैं। और जिसके पास विश्वास नहीं रहता है, पूरा दुनिया में घूमते रहते हैं पसीना निकाल के, और उसको क्या मानते हो लोग? सक्सेस मानते हैं। तो इस प्रकार शिव जी आराम कर रहे हैं, माता सती निकलते हैं टेस्ट करने, और राम जी के पास जाते हैं, तुरंत सीता देवी के रूप धारण करते हैं और राम जी के आगे आगे चलते हैं। राम जी देख रहे हैं, तुरंत राम जी क्या करते हैं? सती देवी के सामने आते हैं, सतीदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सतीदेवी सीता के रूप में, फिर भी राम जी दंडवत प्रणाम करते हैं, उठते हैं और कहते हैं माता माता आप अकेले इस जंगल में घूम रहे हैं, शिव जी किधर है?
मुझे आप अकेले दिख रहे हैं, तो तुरंत उनको आश्चर्य लगता है क्योंकि सीता के रूप माया देवी ने धारण किया। ये कोई ड्रामा नहीं है, पालघर में हो रहा है। कॉस्ट्यूम पहन के आए हैं माया देवी, 100% माया, 100% माया देवी सीता के रूप धारण किए, जिनको पहचानना बड़े बड़े देवता के लिए भी असंभव है। तुरंत ही राम जी क्या करते हैं, पहचान लेते हैं, उनको आश्चर्य लगता है। तो राम जी कहते हैं कि माते, आपने सीता जी का रूप तो धारण किया लेकिन सीता जी का भाव को आपने धारण नहीं कर पाए, इसलिए मैं आपको पहचान लिया। राम भाव को देखते हैं, रूप को नहीं, इसलिए भगवान को उन्हें भावग्राही, रूपग्राही नहीं है। इसको में आते हैं ना सब लोग, रूप बदल कर आते हैं, लेकिन इसकल में आते हैं प्रोग्राम में, मतलब क्या है, हेयर स्टाइल चेंज, तिलक, कंठी मल्ला, टक टक होना चाहिए, मिरर में 2 घंटा बिता के आएंगे और डीटी के सामने 1 मिनट खड़ा रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं, रूप चाहिए बट भगवान क्या करते हैं, भावग्राही, रूपग्राही। ठीक है, रूप को सजाना है आवश्यकता, ये भी भक्ति, मैं थोड़ा बोल रहा हूं ऐसे, बट द पॉइंट इज दैट कि भाव भगवान देखते हैं और सती का भाव को यहां पर देखें। सती सीता के रूप धारण किए लेकिन भाव नहीं धारण कर पाए, क्योंकि सीता जी राम जी के पीछे पीछे ही चलते हैं और सती राम जी के आगे निकल रहे थे, इसलिए राम जी बोले आप सीता नहीं हो सकते, कंफर्म हो गया। और उसके बाद सती देवी अपने स्वरूप में आते हैं, जो देखते हैं चारों ओर राम सीता ही उनको दिखते हैं, पेड़ को देख रहे हैं राम सीता, पर्वत को देख रहे हैं राम सीता, घास को देख रहे हैं राम सीता, चारों ओर उनको राम सीता दिखता है। उनको समझ में आ जाता है कि ये भगवान है, ये परम ब्रह्म है, मुझे भी माया में डाल दी, मैं इनको टेस्ट करने के लिए आया था कि वास्तव में मुझे वो टेस्ट कर रहे थे, वो मुझे पता नहीं चला, ये भगवान का क्या है, माया है। और सती देवी उनके आगे निकल गए। भगवान से आगे निकलने की हम प्रयास करेंगे ना, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस संसार में सब लोग आगे निकलना ही चाहते, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इतना भी आगे मत बढ़ो कि भगवान पीछे छूट जाएंगे। वो आगे बढ़ना एक्चुअली क्या है, आगे नहीं बढ़ना। एक बार एक रनर था, वो रनिंग में गोल्ड मेडल ले गया, उसका घर में चोर घुस गया, रात उठा चोर के पीछे भागा, भाग भाग के एक गांव में पहुंच गया, रात को 12 बजे गांव में पहुंचा, गांव वाले उसको पकड़ लिया, अरे तू इधर क्या भाग रहा है रात को 12 बजे, ना मैं रनर हूं इसलिए भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा है, ना घर में चोर घुस गया, ना चोर को पकड़ा कि नहीं, ना वो 2 किलोमीटर पीछे, क्यों भागना चाहिए, चोर को पकड़ने के लिए भागना चाहिए, ये चोर को छोड़ के आगे भाग रहे। वैसे ही हमें मनुष्य जीवन मिला है किसलिए, चोर को पकड़ने के लिए, चित्त चोर को पकड़ने के लिए, माखन चोर को पकड़ने के लिए, कृष्ण को पकड़ने के लिए, लेकिन हम इतना भाग रहे हैं, इतना तेजी से भाग रहे हैं कि भगवान पीछे रह गए और हम आगे चला गए। ये भागना है एक्चुअली, ये जनरल क्या है, आत्महत्या है, ये भागना नहीं, जो पर्पज है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, बुद्धि मिला है, पकड़ने के लिए भगवान, लेकिन हम भगवान को पीछे रखकर आगे आगे भाग रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए शिव जी सिखा रहे हैं यहां पर कि भगवान के पीछे रहना है, भगवान का स्मरण करना। तो इस प्रकार माता सती दुखित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और वहां से तुरंत निकल जाते हैं।
शिव जी के पास पहुंचते हैं और शिव जी पूछते हैं सतीदेवी को, क्या आपने टेस्ट कर लिया? तो सतीदेवी कुछ बोल नहीं रहे, बार बार पूछा ना टेस्ट किया, मुझे लग रहा है अच्छा टेस्ट किया रहेगा, आप स्किलफुल लेडी है ना, सब स्किल तो आपके पास है, ऐसा टेस्ट किया रहेगा, कुछ तो बताइए, सुनने के लिए आतुरता रही शिव जी। तो सत्यदेव बोलते नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ टेस्ट नहीं किया, आपने यहां से प्रणाम किया था, मैं नजदीक जाके प्रणाम करके ही आ गया, ज्यादा कुछ टेस्ट नहीं किया। तो ये जो शिव जी शुद्ध बोले ऐसा संभव नहीं, इसको कितने बार बोला टेस्ट करो, ये प्रणाम करो, किया नहीं, और अभी आज अभी बोल रहा है कि मैं प्रणाम करके आ गया। तो शिव जी अपना सीसीटीवी देखते ध्यान करते लेकिन अपना हृदय में जो सीसीटीवी थोड़ा ध्यान करके देखते हैं पूरा सती देवी का जो चरित्र है, जो नाटक सती देवी ने किया है सब कुछ दिख रहा है। शिव जी जब वो देखते हैं मन ही मन आश्चर्य होते हैं और भगवान का माया को भी मन ही मन प्रणाम करते हैं, और शिव जी देख रहे हैं कि सती देवी सीता का रूप धारण किए, इसलिए उस दिन से मन में विचार करते हैं कि सती आज से मेरा पत्नी नहीं, कौन है, माँ है, सीता के रूप धारण की, इसलिए माता के रूप में अपना मन में सती को धारण करते हैं, मन में ही सती देवी को त्याग कर देते हैं, बाहर बताते नहीं, सती को बोलते नहीं, डिवोर्स नहीं देते, मन में ही त्याग कर देते हैं और ध्यान में भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये शिव जी का महिमा है, इस चीज को भगवान राम क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। तो रामचरित मानस इस प्रकार कहा गया है, शिव सम कोई रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ त्यजी सती असनारी। वो कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रत नारी, शिव जैसा भगवान राम के कोई बड़ा भक्त नहीं, बिनु अघ त्यजी सती असनारी, सती जी का कुछ गलती नहीं है, सब लोग भगवान को टेस्ट करते हैं और सती जी से कुछ पाप कर्म भी नहीं किए, लेकिन सती को त्याग कर दिया शिव जी ने, ये छोटा सा कारण को लेकर, प्रेमी है उनके, संसार में हम भगवान के लिए अपना कोई अपना व्यक्ति जो है उसको त्याग नहीं कर पाते और पत्नी को त्याग कर, और साधारण पत्नी भी नहीं है, सती पत्नी है, और शिव जी उनको प्रेम करते प्राण से भी अधिक है, ऐसी पत्नी को शिव जी ने छोटा सा कारण के लिए, जिसको आप गलती भी नहीं कर कह सकते, पाप ही नहीं कह सकते, इसलिए छोड़ दी, और ये शिव जी का महिमा है। इसलिए भगवान राम शिव जी को क्या मानते हैं, वैष्णवानाम यथासंभव। शिव जी का जब शादी होता है ना, वो बेल के ऊपर बैठते हैं, लेकिन कैसे बैठते हैं, उल्टा बैठते हैं। तो उनको कोई पूछा, अरे आप उल्टा क्यों बैठ रहे हैं बेल के ऊपर, आगे तो बैठो। तो शिव जी कहते हैं कि मेरा बारात में भगवान विष्णु भी है और भगवान विष्णु मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और मान लो मैं ऐसा सीधा बैठ जाऊंगा तो मेरा पीठ भगवान को दिखेगा, इसलिए मैं उल्टा बैठता हूं। उल्टा बैठ के क्या करते हो, आगे बढ़ते हैं। ये है शिव जी, कितना प्रेम करते हैं आप सूर्य जी, शादी के टाइम लेकिन बेल में उल्टा बैठ के जाते हैं। अब जाएंगे घोड़े में उल्टा बैठ के जा रहे हैं शादी करने के लिए, नहीं तो आपको कोई कहेगा कि पागल है,
क्योंकि भगवान ये दुनिया के बारे में, शिव जी दुनिया के बारे में कुछ चिंता नहीं करते हैं, शिव जी भगवान के बारे में चिंतन करते हैं। इसलिए दुनिया क्या कहेगा, पार्वती देवी शादी करेंगे या रिटर्न भेज देंगे, इस प्रकार वो विचार नहीं करते। अपना ध्यान किसके ऊपर रखना है वो कार्य करते हैं, ये शिव जी का महत्व। इसलिए शिव जी कौन है, वैष्णवाना यथासंभव। और ये सब चीज हम शिव जी से सीखना चाहिए, और इसके आधार पर इसको आदर्श बनाकर भक्ति में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो शिव जी के जीवन से भक्ति किस तरह से हम अच्छी तरह से कर सकते हैं वो हम सीख पाते हैं, यह है शिव जी का महत्व। तो इस प्रकार मन में विचार करके शिव जी सती देवी के साथ बेल में बैठकर जा रहे हैं, अचानक आकाशवाणी होता है, और आकाशवाणी में सुनने को आता है कि आपने इतना बड़ा प्रतिज्ञा लिया। इससे प्रतीत होता है कि आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। सती देवी ये जब सुनते हैं, बार बार शिव जी को पूछते हैं, क्या प्रतिज्ञा किया, इतने खुश हो गए देवता है। तो शिव जी कुछ बताते नहीं, चुप रहते हैं। सती देवी बार बार पूछते हैं, शिव जी बताते नहीं, और अपना आश्रम में जाते हैं, वहां पर भी सती देवी पूछते हैं, फिर भी बताते नहीं। तो सती देवी को पता चल जाता है कि शिव जी ने मन में मुझे त्याग कर दी, पता नहीं रहे लेकिन मन में त्याग कर, त्याग करना और ग्रहण करना मन से ही होता है। बाहर से आप किसको कितने भी ग्रहण करो वो ग्रहण नहीं, बाहर से किसको भी कितने बार त्याग करो वो त्याग नहीं। तो मन से त्याग कर दे लेकिन बताए नहीं, यह शिव जी का एक महानता। शिव जी ने संबंध को मन से त्याग किए लेकिन संबंध को तोड़े नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इस प्रकार वर्षना नहीं की सती देवी को, साथ में ही रहे। तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड लाइफ। कभी कभी हमें इतना महान भक्त बन जाते हैं, कितना भक्ति में आवेश होकर पत्नी को दो थप्पड़ लगा देते हैं, मारपीट हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान शिव वैष्णवाना यथासंभव। और इस प्रकार शिव जी कैलाश में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, 87,000 ईयर तक राम जी को ध्यान करते हैं। कितना, 87,000 ईयर, उसके बाद समाधि से बाहर आते हैं। और सती देवी एक दिन देखते हैं कि एयरप्लेन सब कैलाश की ओर होकर जा रहा है दक्ष के यज्ञ के लिए। तो शिव जी वो पूछते हैं कि हम लोग भी जाते हैं, क्योंकि मेरी बहन जो है उनके पति के साथ सब बहन जा रहे हैं और एयरप्लेन हमारे पास ही जा रहे हैं, लगता है दक्ष जी कुछ यज्ञ कर रहे हैं लेकिन हमें बुलाया नहीं। शिव जी को पूछते हैं कि हम भी चलते हैं, तो शिव जी बोलते मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले एक इंसिडेंट हो चुका है, हमारा सम्मान दक्ष जी नहीं करते। तो सती बोलते हैं ठीक है, आप मुझे परमिशन दीजिए तो मैं जाऊंगा। तो शिव जी परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं? हम देखेंगे आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।